चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बालमा। भाजी सब खैरियत तो है? हाँ पुत्र सब ठीक है। तो आज ये गाना किस खुशी में गा रहे हैं? और पुत्र बात ये है कि मैं व्यूवर्स को ना अपना ये वाला टैलेंट दिखाना चाह रही थी। वो क्या है ना कि मुझे आजकल इन पर बड़ा वो आ रहा है। गुस्सा? नहीं नहीं गुस्सा नहीं, वो जो ऐसे करके आता है ना वो यार। हाँ मुझे ना जर्जीस पे बड़ा प्यार आ रहा है। महमूद पे? नहीं महमूद पे नहीं, मुझे एक वक्त में एक परी प्यार आता है। अरे मेरा नाम महमूद है। वैसे आप दोनों की उम्र नहीं है बिन हरकतों की। ये बात तू इनके लिए कह सकती है, मैं तो तुझसे 2 साल छोटी होंगी। बेशक जा किसी से भी पूछ ले। महमूद साहब नबील कहाँ है यार? नबील से पूछोगी? अरे नहीं वो है कहाँ। अरे मुझे क्या पता, कहीं लफंटरिया मार रहा होगा। बड़ा ही घटिया मोहल्ला है, हराम है कोई एक भी लड़की खिड़की में या टेरेस में नजर आ जाए। कोई खानदानी फैमिली रहती नहीं है यार। अब ये वॉलेट किसका है? किसी का वॉलेट गुम हो गया हो तो मुझसे राबता करे। कोई है जिसका ये वॉलेट है? कोई है तो नहीं, कोई है तो। ओ भाई ये मेरा वॉलेट है। ओ भाई मेरा वॉलेट है ये। माँ जी महमूद साहब, जानू हम अमीर हो गए। क्या है जानू? मुझे वॉक करते हुए पिछली गली में से नोटों का भरा हुआ वॉलेट मिल गया। शुक्र है नबील तुम्हें ये मेरा वॉलेट मिल गया। अरे मैं इसकी वजह से बड़ा परेशान था। वो बस कर दे, सारी जिंदगी पजामे के नेफे में पैसे रखे हैं, वॉलेट कहाँ से आ गया आपके पास? नबील तुम किसी का वॉलेट उठा कर ले आए? ओ जानू मैंने वॉलेट उठाने से पहले 3 दफा चिल्ला के कहा किसका वॉलेट है, किसका वॉलेट है, किसका, लेकिन कोई नहीं आया, तब मैं वॉलेट उठा के आया हूँ। पुत्र ये मुझे दे दे, इतने पैसे कहाँ संभाल के रखेगा? खबरदार माँ जी ये वॉलेट मेरा है, मुझे खुदा की जमीन से मिला है। मोमो मैं तुम्हें कह भी रहा था कि मुझे नबील के साथ वॉक पे जाने दो, मगर तुमने मुझे जबरदस्ती रोक लिया अपने घटिया गाने सुनाने के लिए। वैसे नबील तुम्हें ये वॉलेट जिस आदमी का है ना उसे वापस करना चाहिए, क्यों खूबसूरत। और क्या? ओ भाई मैं कहाँ ढूंढता फिरूं इस वॉलेट वाले को, और मेरे पास इतना टाइम कहाँ है? अरे भाई तुम मस्जिद में ऐलान करवा दो कि जिसका है आके ले जाए। हाँ, ताकि सबसे पहले आप आके ले जाए। नबील मैं ये वॉलेट तुम्हें रखने नहीं दूंगी। जानू वॉलेट तो मैंने कहीं फेंक ही दे रहे हैं, इसमें से जो पैसे है ना सिर्फ वो रखूंगा। तुम्हें ये नाजायज पैसे जिसके है ना उसे लुटाने होंगे, वरना आधे मुझे देने होंगे। नहीं महमूद साहब, मैं इन पैसों से सबसे पहले एक गाड़ी खरीदूंगा। अरे तुम्हें वॉलेट मिला है या ब्रीफ केस, इसमें इतने पैसे कहाँ से आए? चलो 40-50 हज़ार तो होंगे ना। और पहले चेक तो कर पुत्र। माँ जी अभी गिन लेते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 100, 200। अरे नबील अगर आगे गिनती नहीं आती ना तो लाओ मुझे दो। ओ महमूद साहब इसमें 4,200 ही है। दफाओ, इससे ज्यादा तो मैं तेरी बीवी के परस से मार लेती हूँ। अरे इन 4,200 में क्या होगा? वो कुछ हो ना हो महमूद साहब थोड़ी मोटी शॉपिंग तो हो ही जाएगी ना। हाँ हम सबकी जुराबे तो आ ही जाएंगी। जो हम सबकी आ जाएंगी वो जुराबे होंगी। हाँ जी चलो जी फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। भाई बड़ी बरकत इस वॉलेट में है, माशाल्लाह सबकी शॉपिंग होगी। फजूल बातें मत करो नबील, वो 4,200 तो तुम लोगों ने दोपहर के खाने में खर्च कर दिए थे, सारी शॉपिंग मेरे पैसों से हुई। हाँ तो क्या हो गया,
साल में एक बार तूने शॉपिंग कराई है तो सारी जिंदगी लुकमान जताएगी मरजान। एहसान? हाँ, सारी जिंदगी लुकमान जताएगी एहसान। माँ जी, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ना तो हम क्या तेरे बाप की मर्सिडीज में आए हैं, हम भी थके हुए। चलें जी, जल्दी से जाके कमरे का वो खोले, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। दरवाजा? नहीं, वो जिससे हवा आती है। अरे पंखा तो यहाँ भी चल रहा है मोमो। चुपे, ओए पंखा नहीं, जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है। लॉन की खिड़की? ओए तेरी ऐसी की तैसी। हाँ हाँ, ऐसी। जाके कमरे का एसी खोले। वो जो कमरे में जाके खोलना है वो एसी है? हाँ जी। अच्छा जी, आ जानू, क्या ख्याल है, एक एक कप चाय हो जाए? ओके जी। ओ यार महमूसा, ये क्या किया, स्विच कहीं गलत जगह तो नहीं लगा दिया? गलत जगह मतलब? ओ कुछ नहीं माँ जी, यार इस लाइट को भी अभी जाना था। और जादू 5-10 मिनट में आ जाएगी यार। हजरत, एक जरूरी इलाज से बात करवाइए, हमारे इलाके में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है, हो सकता है बिजली सही रात ना आए, चोरों डाकुओं से होशियार रहिएगा, शुक्रिया। ओ यार, ये हमें होशियार कर रहा था ये डाकू और चोरों को? बकवास है, मैं एसी के बगैर कैसे सोऊंगी यार। ओए कौन है ये एसी? एसी माँ जी, एयर कंडीशनर। ओ आई सी। मामा, मामा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाय, मेरा मियां अंधा हो गया, अब मैं उसे कैसे देखूंगी? ओ माँ जी, महमूसा बंदे नहीं हुए, लाइट गई है उनकी आँखों की। नबील, माँ जी की ऐसी बातें सुनने से तो बेहतर है कि मैं गर्मी में जाकर सो जाऊं। ओ चलो, मैं अभी चलता हूँ। अरे भाई कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ सोफे पर ना। अरे सोफा कहाँ है? सोफा इधर लाउंज में है। बिल्कुल सोफे पे कहाँ हो? ये सोफा लाउंज में जो रखा है। अरे तुमने तो डरा ही दिया है मोमो। आपका भी तो इतना डरावना मुंह है। अच्छा आओ ना, आओ हम अंदर चलते हैं, आराम आराम से देख के मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आ जाओ, चलो 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 चलो, ठीक है। लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। तो किचन में कोई चोर बर्तन चुराने आया है क्या? अरे फजूल बातें मत करो, आओ चल को खूबसूरत और नबील को बताते हैं। हाँ ठीक है, ये किचन में है, किचन। आओ आओ जल्दी आओ, आराम से। तो तुम ना, तूने उसको यहाँ हफ्ते के लिए रोक कर उसकी दावत करनी थी। नहीं माँ जी, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना है। अरे मैं तो कहता हूँ बट साहब को फोन करके बुला लेते हैं, हम ये रिस्क क्यों लें? महमूद साहब, सबके फोन की बैटरियाँ फारिग हो चुकी हैं और घर का फोन भी बंद पड़ा है बिल ना देने की वजह से। तो पुत्र, यही सारी बातें हम सीधा सीधा जाके उस चोर को बता देते, वो क्या पता वो हमें कुछ देख कर ही चला जाए। तो माँ जी आप तो चुप करें यार, बहुत ही खतरनाक किस्म का चोर लग रहा है जो इतने इत्मीनान से किचन में घुसा हुआ है। माँ जी आप चादर लाएं जल्दी से। तुझे सर्दी लग रही है? नहीं माँ जी, उस चोर पर डालेंगे तो उसे सर्दी लग रही है। अरे नहीं मोमो, हम चादर उसके ऊपर डाल के डंडा मार के उसे बेहोश करेंगे, क्यों खूबसूरत? हाँ जी, कैसे पता चला? अरे मोमो, मैंने बहुत से फजूल ड्रामों में ऐसी बहुत सी फजूल सिचुएशंस देखी हुई है, इसलिए मुझे पता है। आओ मोमो, मैं चादर लेके आता हूँ, तुम डंडा लेकर आओ। ठीक है, जल्दी करें, हम ना चोर के सर पे डंडा मार के दरवाजा बंद कर देंगे किचन का, जैसी लाइट आएगी तो भट्ट साहब को फोन करके बुला लेंगे। हाँ ये ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। चल पुत्र, चूहा पकड़े। चूहा नहीं, चोर माँ जी। अच्छा चल चलो 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 नबी। अरे मोमो डंडा मारो, मारो मारो।
ने दरवाजा बंद कर दिया। वेरी गुड। दुआ करें, दुआ करें, इस चोर पर इनाम हो, इनाम वो जो इस चोर पे होगा वो इनाम होगा। हाँ जी। अच्छा यार, मैं मूसा आपको देख के डर गई होंगी यार। ओ माँ जी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके काफी पुराने बल्कि फटे पुराने बड़े मुंह वाले चोर हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रही। फिर किचन में वो है। वो क्या? वही जो मरने के बाद होता है। यार नबील, ये मरने के बाद क्या होता है? ओ महमूद साहब, मुझे क्या पता यार, मैं कौन सा मर के जिंदा हुआ हूँ। माँ जी, आपने ऐसा क्या देख लिया किचन में? पटल, किचन में एक आदमी की वो है। क्या? वो जो मरने के बाद होती है ना। कबर? ओ यार, हमारे किचन में कबर किसने खोदी? हो सकता है मोमो मौत के फरिश्तों ने खोदी हो ये कबर, ताकि तुम नींद में चलती हुई आके खुद ब खुद इस कबर में गिर जाओ। अरे तुम्हारी लाश को कौन उठाएगा मोमो? लाश? लाश? किचन में एक आदमी की लाश है। क्या? किचन में लाश कैसे आ गई माँ जी? ओ जानू माँ जी, कहीं उस शोर की बात तो नहीं कर रही जिसको रात हमने डेढ़ा मार के बेहोश किया था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी माँ जी। अरे मोमो, वो लाश नहीं बेहोश है। अरे बहुत ही खौफनाक किस्म का चोर था। अरे वो कभी भी किसी को भी मार सकता है, इसीलिए हमने उसे बेहोश करके किचन में लॉक कर दिया था। ओ माँ जी, आपने तो जान ही निकाल दी थी यार। जान तो तुम लोगों की अब निकलेगी बच्चू, जब तुम्हें पता लगेगा। क्या पता चलेगा? कि मैं बच्ची खाने का दरवाजा खुला छोड़ आई हूँ। ओ यार, शुक्र है मैं मूसा, माँ जी ने तो मरवा ही दिया था। माँ जी, मामा। नबील, क्या सोच रहे हो? बट साहब को फोन क्यों नहीं कर रहे? ओ जानू, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उस चोर के सर पर इनाम हुआ और बड़ा इनाम हुआ तो हमेशा की तरह पटसाब ले जाएंगे, हमारे हाथ तो आएगा कुछ। तो उस डर से हम चोर को पाल लें? अरे नबील, इस मर्तबा हम पटसाब से डील कर लेंगे ना, कि जो भी इनाम मिला आधा आधा। चलो ये ठीक है। तो मिलाओ पटसाब का नंबर। हाँ हाँ, मिलाता हूँ मिलाता हूँ। हेलो बट साहब। कौन बोल रहा है भाई? ओ यार बट साहब, 400 एपिसोड हो गया और हमने पहचाना नहीं, मेरा नंबर ही रिपीट किया हुआ। यार नबील बोल रहा हूँ, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। मैंने खतरनाक चोर पकड़ लिया बट साहब। खतरनाक चोर क्यों पकड़ लिया? खतरनाक चोर तो बाद में आसानी से छूट जाते हैं। तो बाद में भला छूट जाए यार, अभी आकर आप गिरफ्तार तो करें ना उसे। नहीं भाई, नहीं, मैं किसी खतरनाक चोर को नहीं पकड़ूंगा, उनके पास तो असला भी होता है। ओ यार बट साहब, आपके पास भी तो है ना। और यार वो चलता कहाँ है? ओ दफा करें बट साहब, उस चोर को कहाँ पता कि वो असला चलता है कि नहीं चलता यार, और वैसे भी डंडा मार के हमने उस चोर को बेहोश कर दिया है। अरे ये हुई ना बात, बस तो फिर 2 मिनट में मैं पहुंचता हूँ, खुदा हाफिज। ओ यार मामू साहब, बट साहब आ रहे हैं। वशी, ये चीज मेरे लिए। आप वो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वो खतरनाक चोर तुम लोगों को मिला कहाँ से? साहब मिलना कहाँ से है, वो कल रात को ब्रेक डाउन हुआ था ना, तो अंधेरे में घुसाया हमारे घर में। क्या? हाँ, और आधी रात को किचन में घुस के खाना खा रहा था, हमने वही डंडा मार के बेहोश कर दिया उसे। हाँ, हाँ। वो खाने से याद आया कि भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ।
हाँ भाई, चोर की फिक्र मत करो, समझो वो गिरफ्तार हो गया। बट साहब, हम आपको खाना कैसे खिलाएं? खतरनाक चोर जो है वो किचन में बेहोश पड़ा है। क्या? हाँ बट साहब, हमने उसे किचन में ही तो बंद किया है। और चलो कोई नहीं, बाहर से मुझे पिज्जा मंगवा कर खिलवा दो। वो जो आपको बाहर से मंगवा के खिलाना है वो पिज्जा है? हाँ जी। अच्छा जी, ये चीज मेरे अजी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। यार, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाता तो मजा ही आ जाता। ओ बस कर दे भट साहब, हमने आपको चोर पकड़ने के लिए बुलाया है। मैं हूं साहब के वलीमे की दावत में नहीं बुलाया। ओ यार, चोर तो तुम लोगों ने पकड़ ही लिया है ना। हाँ भट साहब, लेकिन उसे गिरफ्तार तो आप ही करेंगे ना। हाँ हाँ, कर लेंगे, अभी ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे भट साहब, वो बहुत खतरनाक चोर है, मोटा ताजा सा। अरे बड़ी मुश्किल से बेहोश किया था उसे हमने। हाँ, और यकीनन भट साहब उसके सर पर बहुत बड़ा इनाम होगा। पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैंने तो उसके सर पे डंडा मार के बेहोश कर दिया, अब हमारे इनाम का क्या होगा? ओहो, तुम तो चुप करो मोमो। अरे फिकर मत करे माँ जी, इनाम हमें बट साहब देंगे। मैं? हाँ बट साहब, इस चोर पे जो भी इनाम हुआ ना, वो हम आधा आधा बांटेंगे। और चलो ठीक है, तुम लोग भी क्या याद करोगे। चलो अब जाओ, उस चोर को उठाकर मेरी पुलिस वैन में डाल दो। हाँ भाई। ओ बट साहब, आप जाके उसे गिरफ्तार करें ना, वो बेहोश है। और अगर मेरे जाते ही वो होश में आ गया तो फिर? तो मैं उसके सर पे डंडा मार के फिर बेहोश कर दूंगी। पक्का? हाँ हाँ, पक्का वाला डंडा मारूंगी। बस तो ठीक है, फिर तुम सब भी मेरे साथ आओ। चलो, आप तो बुलबुले के बहादुर पुलिस वाले है ना। अच्छा, तो चलो फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ। माँ जी। हाँ जी। अगर अंदर गिरफ्तार करते हुए चोर को होश आ गया तो आपने डंडा मारना जोर से। फिक्र ही ना कर अहमद अली बट। हाँ तो फिक्र ही ना कर अहमद अली बट। बस तो फिर आ जाओ, बिस्मिल्लाह। चलो 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 चलो, आ जाओ। और ये चोर पर्दा करता है क्या? और नहीं बट साहब, ये पर्दा नहीं है, चादर है यार। चलो मैं इसके हाथों में कड़ियां डालता हूँ। ठीक है। ये तो हिल रहा है। बट साहब, अब जल्दी से हाथ कड़ियां डालें ना। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पापा, माँ जी, ये क्या किया आपने मेरे पापा से? चोर नहीं था। ओ बट साहब, चोर ने तो फिर हमें माफ कर देना था, लेकिन पापा जी होश में आके हमें माफ नहीं करेंगे। आप एक काम करें यार, इन्हें हथकड़ियां डालें और ले जाएंगे। जानू शट अप नबील। ओके जानू, बाय बाय।